हेलो एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस में लाइट चैप्टर का पार्ट 2। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स की। तो वो मिरर्स जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की डायरेक्शन में या फिर बाहर की डायरेक्शन में कर्व्ड होती है, उनको हम स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। तो स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं फर्दर क्लासीफाई होते हैं दो टाइप्स में, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो जिस मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की डायरेक्शन में कर्व्ड होती है उसको हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। तो इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, जो कॉनकेव वर्ड है उसमें केव भी आ रहा है, तो केव जो होता है अंदर की तरफ को कर्व्ड होता है। ठीक है, तो जिस भी मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की डायरेक्शन में कर्व्ड हो उसको हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। इसी टाइप से जिस मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की डायरेक्शन में कर्व्ड हो उसको हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो अब अगर हम इन्हें डिफाइन करना चाहें तो इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्फेरिकल मिरर को डिफाइन करना चाहें तो इस टाइप से कर सकते हैं, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स देन द मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, स्फेरिकल मिरर फर्दर क्लासिफाई होता है दो टाइप्स में, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में। तो अगर अब हम कॉन्वेक्स मिरर को डिफाइन करना चाहें तो इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, अ मिरर हूज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम कॉन्वेक्स मिरर को डिफाइन करना चाहें तो इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, अ मिरर हूज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो एक चीज जो ध्यान रखने वाली है इसमें वो ये कि जो कॉनकेव मिरर होते हैं उनको हम कन्वर्जेंट मिरर भी बोलते हैं और जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं उनको हम डाइवर्जेंट मिरर भी बोलते हैं। तो अब बात करते हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स की। तो इसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारे पास कोई सा भी स्फेरिकल मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, हम उसको ऐसा कंसिडर करते हैं कि वो एक बड़े से स्फेयर का छोटा सा हिस्सा होता है। जैसे यहाँ पे ये कॉन्वेक्स मिरर दिख रहा है हमें, तो ये एक बड़े से स्फेयर का छोटा सा हिस्सा है। तो उस इमेजिनरी स्फेयर का जो सेंटर होता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो अगर आप इसे डिफाइन करना चाहें हम, तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। तो अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो हमारे पास कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, तो वो एक इमेजिनरी स्फेयर का हिस्सा होता है और उस इमेजिनरी स्फेयर का जो रेडियस होता है उसी रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम डिफाइन करना चाहें तो इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। ठीक, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आर से डिनोट करते हैं। तो अब बात करते हैं पोल की। तो जो भी हमारे पास स्फेरिकल मिरर होता है, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, तो जो भी उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम पोल बोलते हैं। तो अगर अब हम इसे डिफाइन करें तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज टर्म्ड एज पोल, और इसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। तो किसी भी स्फेरिकल मिरर में जब कोई लाइन पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती हो तो उस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे पोल ये पी हो गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, तो इन दोनों पॉइंट को एक लाइन ज्वाइन कर रही है जो पीसी है। तो यहाँ पे पीसी जो है वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो अगर अब हम इसे डिफाइन करें तो उसको इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज टर्म्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब बात करते हैं अपर्चर की। तो किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसका जो डायमीटर होता है उसको हम अपर्चर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये स्फेरिकल मिरर है तो ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो डायमीटर है वो है mn। ठीक, तो इसको हम अपर्चर बोलेंगे इसका। तो अब बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस की, या सिर्फ इसको फोकस भी बोल सकते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं f से। तो जब भी कोई लाइट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट से पास करती है उसको हम फोकस बोलते हैं। ठीक, या फिर जब भी कोई लाइट रे जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के वो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे लगे कि किसी पॉइंट से आ रही हो तो उसको भी हम फोकस बोलते हैं।
तो एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो पहले वाले फिगर में ये रे ऑफ लाइट है जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद पॉइंट एफ से पास कर रही है, तो ये जो पॉइंट एफ है ये इसका फोकस हो गया। तो अगर दूसरे वाले डायग्राम में देखें तो ये रे ऑफ लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस चली गई, और अगर इसी रे ऑफ लाइट को मैं थोड़ा पीछे एक्सटेंड करूं तो ये ऐसा लग रहा है इस पॉइंट से आ रही हो, तो जिस पॉइंट से ये आती हुई नजर आ रही है वो इसका फोकस है। तो अब अगर हम प्रिंसिपल फोकस या फोकस को डिफाइन करना चाहें तो इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर एट विच द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट और अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम। तो अब बात करते हैं फोकल लेंथ की। तो एक स्फेरिकल मिरर के पोल और उसके प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक। तो इसको अब हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ, ठीक। और अगर उस स्फेरिकल मिरर का जो अपर्चर है वो बहुत छोटा हो तो जो उसका फोकल लेंथ होता है वो r बाय 2 होता है, यानी जो उसका फोकल लेंथ होगा उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होगा। तो बात करते हैं अब कुछ रूल्स की जो कि हमारे स्फेरिकल मिरर्स के रे डायग्राम बनाने में काम आएंगे। तो इसका जो पहला रूल है वो ये कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कर रही हो तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी। ये केस है कॉनकेव मिरर के लिए। अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल पास कर रही हो प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो जब रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो उसको अगर हम पीछे की डायरेक्शन में एक्सटेंड करें तो वो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से ही निकल के आई है। तो दोनों केस में रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, द रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इन कॉनकेव मिरर और अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस इन कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें जो दूसरा रूल है वो जस्ट अपोजिट है पहले वाले रूल का। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रही होगी तो वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी फिर, ठीक। तो यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रही थी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, ठीक। तो ये वाला केस है कॉनकेव मिरर के लिए। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखें तो इसमें भी रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ को जा रही है, तो ये फोकस की तरफ को अगर जा रही है तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, ठीक। तो दोनों केस में अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो इसको हम इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, द रेज कमिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर और कमिंग टूवर्ड्स फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो बात करते हैं अब इसके नेक्स्ट रूल की। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी पाथ से वापस चली जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे इस केस में एक रे ऑफ लाइट आ रही है जो सी से पास कर रही है और वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस इसी पाथ में वापस चली गई। ये कॉनकेव मिरर के लिए था, ये कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं। तो अगर आप कॉन्वेक्स मिरर के लिए अब देखें तो ये रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ को जाती हुई दिख रही है तो ये वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी इसी पाथ पे। तो हम इसे इस टाइप से लिख सकते हैं, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द सेम पाथ। तो अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट रूल की। तो किसी भी स्फेरिकल मिरर में जो इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रही होती है वही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना रही होती है। तो यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, यानी जो इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही होती है। इसी टाइप से अगर दूसरे वाले डायग्राम में भी देखें तो यहाँ पर भी जो है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है, यानी यहाँ पर भी जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रही है। तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो कि यहाँ पे पी पॉइंट है दोनों केस में मेक्स इक्वल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचे। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।